गुड मॉर्निंग दोस्तों। बातें कुछ अजीब सी होंगी आज। देखो, गांव में अभी भी हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर तो करना मतलब बनता ही है मेरा। रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते हैं और सोचता हूँ कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अच्छा बताऊँ। आज मतलब पिछली वीडियो आई पे थी तो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत से मतलब लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया। कुछ ही दिनों में मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और मतलब एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि व्हाट्सएप और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने ऐड करने हैं नंबर, वो मैं वहां पहुंच के कंप्लीट कर दूंगा काम। और पीडीएफ वेबसाइट किस जगह से अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां से जाके एक मतलब स्पेशली लिंक दूंगा जो कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह प्रोवाइड करा देंगी। आज मतलब एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ दो लाइन में, बस इस वीडियो में आज सिर्फ एक दो लाइन बताऊँगा जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उस लाइन का अर्थ समझोगे तो लाइफ बहुत ही बेटर हो जाएगी। आप बहुत सारे एग्ज़ाम देते हो या फिर एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हो, तो उसमें क्या होता है, एग्ज़ाम जो होता है वो मतलब हार्ड तो लगता है, लेकिन हार्ड के साथ आप लोग ये भी सोचते हो कि होगा नहीं, है ना। एग्ज़ाम ये सोचता है मतलब आप लोग ये सोचते हो एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं, तो ऐसा सोचना लाजिब भी है। तो आज सिर्फ यही बताना था कि आप लोग जो एग्ज़ाम देते हो ना, अगर आप उस लोग उसमें फ़ेल भी होते हो तो आपको दुख बहुत बड़ा होता है कि यार पास नहीं हुए। तो उस दुख को मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि आप मतलब आपके पास उतनी ताकत नहीं है आप 100 लोगों से लड़ सको, लेकिन आपके पास हिम्मत है। आप उनको मतलब अपने एटीट्यूड से, अपने मतलब दम से नहीं, अपने फिज़िकली नहीं मेंटली दम से उसको हरा सकते हो। ऐसा उसको दिखाओ कि मुझे, मैं जीत सकता हूँ। उसी तरह एक एग्ज़ाम है, उसको आपको डराना है, आपको कुछ नहीं आता कोई परवाह नहीं, अपना एटीट्यूड इतना तगड़ा रखना है कि एग्ज़ाम खुद डर जाए। फेल होते हो कोई नहीं, सच्चे दिल से काम कर रहे हो, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि आपने मेहनत किया है। नेक्स्ट टाइम फिर करोगे तो भरपूर मात्रा में आपको मार्क्स मिलेंगे, आप पास हो जाओगे। लेकिन फर्स्ट टाइम में आप सच्चे दिल से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि कोई भी एग्ज़ाम दो ना तो सच्चे दिल से दो, बिल्कुल एकदम खुले दिल से, तभी आपका सफल होगा एग्ज़ाम देना, चाहे आप उसमें फ़ेल हो चाहे पास हो। फेल होते हो तो कोई बात नहीं, आपको ये पूरा रहेगा कि आपने एग्ज़ाम दिया है, नेक्स्ट टाइम में आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। और कोई भी एग्ज़ाम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी जॉब गवर्नमेंट छोटी या बड़ी नहीं होती है, आपके मतलब कंधे पे एक गवर्नमेंट का ठप्पा लगना चाहिए बस, जो मेरा नारा है अपने मतलब जानते हो कि सिलेक्शन होके रहेगा। और गवर्नमेंट में आज की लाइफ में गवर्नमेंट जॉब पक्की चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब, देखो बच्चे कुछ बोल रहे हैं पीछे बहुत, ये देखो, तो गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ आप मतलब कोशिश करते रहो। क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए और बाकी व्हाट्सएप नंबर मैं अपने इस वीडियो में डाल दूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।